एक ऐसा संस्थान जहां पर छात्रों की भविष्य बनाई जाती है, लेकिन अब छात्र जो हैं वो उग्र हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। जेएनयू में लगातार हिंसा का दौर जारी है। जेएनयू में हिंसा के बाद लगातार अलर्ट पर पुलिस है और तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बच्चों से अनुरोध किया जा रहा है कि शांति बनाए रखें। जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम जगहों पर जेएनयू के छात्रों के समर्थन में छात्र आ गए हैं, चाहे वो मुंबई का जेएनयू हो या फिर बेंगलुरु का जेएनयू, तमाम जगहों पर ये प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल जेएनयू के जो 34 छात्रों को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उन्हें छुट्टी मिल गई है। जेएनयू कैंपस में हिंसा के बाद छात्र अब परिसर छोड़ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने पहला FIR दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने परिसर से बाहर निकलते हुए ये कहा कि वो अब ये छोड़ रही है कैंपस। ये छात्रा हिंसा के दौरान कैंपस में ही मौजूद थी। छात्रा ने बताया कि लोग बाहर से आए लाठी और डंडों से लैस विश्वविद्यालय में। स्थिति गंभीर है, इसलिए मैं इसे अभी के लिए कैंपस छोड़ रही हूँ। तो छात्रा की बातों पर आपको शायद यकीन न हो रहा हो, तो जरा यह वीडियो देखिए और खुद सुन लीजिए कि छात्रा कैसे कैंपस छोड़ने का दुख बयां कर रही है। आप जा रही हैं? आप जा रही हैं? क्यों आप जा रही हैं घर? आप तो स्टूडेंट हैं। मैं जा रही हूँ घर क्योंकि यहाँ पे कैंपस सेफ नहीं है कोई भी पढ़ाई के लिए। पर यहाँ तो पुलिस की व्यवस्था आप कर दी गई। तो क्या आप कल रात की घटनाओं के, कल शाम की घटनाओं की वजह से? पूरा ये चला है, ये पूरा आपने देखा है टीवी पे, ये चल रहा है और ये कुछ भी हो सकता है इस कैंपस के अंदर। मेरे को सेफ्टी फील हो रहा है, मैं जा रही हूँ अपना बोरिया बिस्तर लेके। आप अपने घर जा रही हैं? सुना आपने, छात्रा कितनी ज्यादा दहशत में है। और दिल्ली के जेएनयू के छात्रों के साथ जो हुआ, उसके बाद मुंबई के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जेएनयू हिंसा की निंदा करने के लिए विभिन्न कॉलेजों के छात्र रविवार आधी रात से गेटवे ऑफ इंडिया पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन फिलहाल सुबह तक जारी है। जेएनयू के पूर्व छात्र अमर खालिद और कुणाल कामरा इन छात्रों के समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने जेएनयू के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मोमबत्ती की रोशनी में विरोध प्रदर्शन किया था। हिंसा का विरोध करने के लिए युवा ज्यादातर शहर के कॉलेजों के छात्र पहुंचे और उन्होंने फुटपाथ पर इकट्ठे होकर ये पूरा प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार रात हिंसा उस वक्त भड़क गई जब लाठी और डंडों से लैस नकाबपोश छात्रों ने जेएनयू छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जेएनयू प्रशासन को पुलिस बुलाना पड़ा, जिससे वहां पर फ्लैग मार्च किया। अब इसको लेकर तमाम जगहों के छात्र जो हैं वो सामने आ गए हैं। हम आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं बार बार होने से जेएनयू पर सवाल भी उठने लगे हैं और छात्र तो काफी दुखी हैं ही। इधर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की समन्वय समिति ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रों पर हमले की निंदा की, जिसमें उनके छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल थे। जामिया समन्वय समिति ने अपने पत्र में ABVP कार्यकर्ताओं पर जेएनयू परिसर में हिंसा का यह गंभीर आरोप लगाया है। अब जांच का विषय है और जांच चल रही है और पुलिस ने तमाम लोगों से अनुरोध भी किया है कि कैंपस छोड़कर ना जाएं और पुलिस जिम्मेदारी ले रही है सुरक्षा की, लेकिन फिर भी पलायन जारी है। देखने वाली बात होगी कि जेएनयू में फिर हरियाली कब वापस आएगी, आखिर छात्रों के भविष्य का क्या होगा। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आप तमाम दर्शकों से चाहिए। दीजिए अपनी इस पर खुलकर प्रतिक्रिया। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।